नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, जब वक्त कम हो और घर पर बिल्कुल ढाबे स्टाइल पनीर की डिमांड हो तो आप इस झटपट से बनने वाली पनीर की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, क्योंकि इसमें पनीर को ना तो तलना है और ना ही घंटों मैरिनेट करना है और ना ही मसाले को पीसने का झंझट है, पर स्वाद तो इतना लाजवाब कि आप जब बनाएंगे तो हर कोई वाह कर उठेगा। तो जुड़े रहिएगा, चलिए बनाते हैं। तो पनीर की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर। यहाँ पर मैंने 2 लीटर फुल फैट मिल्क का पनीर घर पर ही तैयार किया है दोस्तों। इस पनीर के हम पीसेस कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके के क्यूब्स कट किए हैं। साइज आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी कर सकते हैं। और अब इसको एक बोल में मैंने डाला और इसको हम मैरिनेट करने की तैयारी में चलते हैं। तो 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया और साथ ही साथ में 1 टेबलस्पून क्रश्ड गार्लिक ऐड करेंगे। साथ में 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी इस तरीके से क्रश करके डालेंगे। तो ये ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। साथ में नमक स्वादानुसार यहाँ पर डालेंगे और सारे मसाले इसमें अच्छे तरीके से चिपक जाएं, इसके लिए 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, पर हल्के हाथों से मिक्स करिएगा वरना पनीर टूट ना जाए। तो इस तरीके से मैंने हल्के हाथों से सारे मसाले को मिक्स कर लिया है इसमें। और चूंकि ऑयल डाला है तो बहुत अच्छे से मसाले पूरे पनीर में कोट हो चुके हैं। और अब इसमें यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून हनी डाला है। तो ये ऑप्शनल है वैसे, लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि ये हनी सारे मसालों को बहुत बढ़िया बैलेंस कर देता है। तो हनी को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। अब एक मीडियम साइज़ की प्लेट ली है मैंने, उसमें ऑयल से ग्रीसिंग करी और इसको इस तरीके से फैला देंगे सारे पनीर को। तो ये सारा पनीर मैंने इस पर फैला दिया है और इस तरीके से हमने क्यों फैलाया है वो प्रोसेस हम आगे देखेंगे। तो चलिए इस प्लेट को एक साइड में रखते हैं और दूसरी प्रोसेस में चलते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला और साथ में लगभग 1 टेबलस्पून बटर भी डाला। तो बटर इसमें ज़रूर डालिएगा, क्योंकि बिल्कुल ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो ढाबा वाले तो हर सब्ज़ी में भर भर के बटर डालते हैं। तो जैसे ही ये दोनों चीज़ें गर्म होंगी, इसमें 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। और जैसे ही ये तड़क जाएगा तो कुछ खड़े मसाले, 1 टुकड़ा बड़ा सा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, साथ में 2 हरी इलायची इसमें डालेंगे और थोड़ा सा टुकड़ा हम जावित्री का डालेंगे। और सारे खड़े मसाले ही मैंने डाले हैं। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। साथ में यहाँ पर ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने बड़े बड़े कट करके रखे हैं, उन्हें डाल देंगे। 7 से 8 लहसुन भी साबुत ही डाल देंगे हम। और इनको अब अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो बहुत ज़्यादा घंटों फ्राई नहीं करना है, बस हल्के से ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, इनकी स्किन हल्की सी पक जाए, तब तक ही हमको इसको पकाना है। तो ये देखिए, लगभग 3 से 4 मिनट के बाद ये हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब इसमें ये 4 टमाटर मैंने कट करके रखे हैं, इनको मैंने इसमें डाल दिया। और इनको डालने के बाद अब इसको फ्राई नहीं करना है हमको, हमको इस तरीके से सेंटर में स्पेस बनानी है। तो इस तरीके से मैंने स्पेस बनाई। अब सारे काम हम इसी पैन में करेंगे, फटाफट से करेंगे, क्योंकि टाइम कम है, हमें झटपट से बनाना है। सेंटर में मैंने एक कटोरी रखी है और कटोरी में अब मैंने पानी डाला। तो ये देखिए, कटोरी को मैंने पूरा फिल कर दिया है पानी से और साथ ही साथ में साइड्स में भी पूरा, प्याज टमाटर में भी मैंने पानी डाला, इतना कि जस्ट वो थोड़े से डिप हो जाएं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और ये जो हमारी प्लेट है पनीर वाली, इसको इस कटोरी के ऊपर रख दिया और अब इसी कढ़ाई में ये मैरिनेट होगा और साथ ही साथ मसाले भी हमारे पकेंगे। और साइड्स में ये देखिए चिपके नहीं ये प्लेट, इसका ध्यान रखना है। और अब इसको मैंने ढक दिया है मीडियम फ्लेम पे। अब इसको हम पकाएंगे कम से कम 5 से 7 मिनट तक, जिससे कि हमारे टमाटर प्याज भी पकेंगे, साथ में स्टीम के साथ साथ में जो स्टीम बनेगी उसमें हमारा पनीर भी झटपट से बहुत बढ़िया मैरिनेट हो जाएगा, मसाले पूरे अंदर तक उसमें चले जाएंगे। तो लगभग 7 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोला, तो देखिए हमारा पनीर जो है बहुत बढ़िया तरीके से मैरिनेट हो गया है। हमारा घंटों मैरिनेशन का काम मिनटों में समेट गया। और इस पानी को अब मैं इसी कढ़ाई में वापस डाल दूंगी, जिससे कि प्याज और टमाटर और अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। और चूंकि हम इस मसाले को पीसेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये जो टमाटर की स्किन है बहुत बढ़िया से सॉफ्ट हो चुकी है, इस तरीके से चिमटे की हेल्प से हम इस स्किन को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो सारे टमाटरों की स्किन को हम बाहर निकाल लेंगे। और ये काम, ये स्टेप करना ज़रूरी है, क्योंकि हम मसाले को पीस नहीं रहे हैं और अब इस स्पैचुला की हेल्प से हम इसको मसलते हुए, मैश करते हुए पकाते चले जाएंगे। आँच को अभी मैंने मीडियम रखा है, तो इस तरीके से हम मसलते चले जा रहे हैं, जिससे कि बिल्कुल मैशी सा हो जाए ये मसाला। नमक भी मैंने डाल दिया, जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से टमाटर पानी छोड़ दे और बहुत जल्दी से सूख जाए ये सारा का सारा मसाला। और अब इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम पकाते जाएंगे। अब थोड़ा सा पनीर मेरा ठंडा हो चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया मैरिनेट हुआ है और कितना बढ़िया सॉफ्ट हो गया ये पनीर। ये देखिए, मैं आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ। और ये देखिए,
साथ साथ में मैं मसाला भी भूनती जा रही हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से ये मैश होता चला जा रहा है। और अब ये जो खड़े मसाले हैं इसको निकाल सकते हैं हम, क्योंकि इसका सारा फ्लेवर इस मसाले में आ चुका है। ये ऑप्शनल है पर मैं निकाल दे रही हूँ, अगर आप ना निकालना चाहें तो इसी में रहने दीजिए। तो ये सारे मसाले मैंने, इलायची, बड़ी इलायची, सब कुछ निकाल दिया है इसमें से। और अब इसको इस तरीके के चमचे की हेल्प से मैं और मैश करती जा रही हूँ, जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। आप चाहें तो पोटैटो मैशर की भी हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर। और इस तरीके से मसलते हुए मैं इसको भूनती चली जाऊँगी। और अब 1 टीस्पून किसा हुआ अदरक, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया, साथ में 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर तीखेपन के लिए ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने काजू का पाउडर डाला है, जो कि बहुत अच्छा ढाबा वाला टेस्ट देना है हमको, तो काजू का पेस्ट बनाने का टाइम नहीं है, तो काजू का पाउडर घर पे बना के रखिए। अगर नहीं है तो फटाफट से पीस सकते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल सा काजू, जो ड्राई काजू होता है, उसको मैंने पाउडर बना के इसमें डाल दिया है, लगभग 2 टेबलस्पून। और काजू डालने के बाद जल्दी जल्दी चलाइएगा, रुकिएगा नहीं, नहीं तो काजू की टेंडेंसी तले में चिपकने की होती है, तो मसाला नीचे से जलने लगेगा। तो ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया मसाला बनकर तैयार हुआ है, जबकि हमने मिक्सी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, सिर्फ कढ़ाई में ही मसाला तैयार किया है। उसके बावजूद कितना बढ़िया टेक्सचर आया है हमारे मसाले का। तो अगर आप काजू का पाउडर ना डालना चाहें, स्किप करना चाहते हैं, तो आप डाल सकते हैं घर की फ्रेश मलाई। तो मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून फ्रेश मलाई भी ऐड कर रही हूँ इसमें। पनीर में या पनीर की सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर हम फ्रेश मलाई ऐड करते हैं। तो आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसे एंड में डालिएगा। अगर मलाई यूज़ कर रहे हैं तो मलाई को इसी मसाले में भूनते समय डाल दीजिए। और बिल्कुल बढ़िया ढाबे वाला टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड करी पनीर में 1/2 टीस्पून। और साथ ही साथ में ढाबे वाले जो बहुत अच्छा सा रॉ सा फ्लेवर आता है हरी मिर्च का, वो हरी मिर्च वो लोग डालते हैं बिल्कुल एंड में। तो 3 से 4 हरी मिर्च मैंने इस तरीके से काट के बिल्कुल एंड में डाली है। आप डाल के इसको इस तरीके से यूज़ करके देखिएगा, बहुत 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 अच्छा टेस्ट आता है इस मसाले का। तो लास्ट में मैंने हरी मिर्च डाली और बस कुछ 1-2 मिनट के लिए भूना। देखिए पूरा का पूरा इसने घी रिलीज़ कर दिया है मलाई ने, हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। और अब इस स्टेज में हमने इस मैरिनेटेड पनीर को डाल देना है। तो चूंकि घर का पनीर था तो हमें डीप फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, और बहुत परफेक्ट तरीके से स्टीम में ये मैरिनेट हो चुका है। तो इस तरीके से इसको इसमें डाल दिया, तो ना हमने इसको ऑयल में डीप फ्राई किया और ना ही घंटों मैरिनेट किया, ना मसाले को पीसा। उसके बावजूद हमारी सब्ज़ी देखिए कितनी बढ़िया बनकर तैयार हो रही है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला है, सिर्फ 1/2 कप ही हम पानी डालेंगे, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी में ज़्यादा पानी नहीं डालना रहता है, क्योंकि अब उसको ज़्यादा कुक करना ही नहीं है हमको। अब पानी डालने के बाद इसको ढक्कन से ढक देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे। उसके बाद हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि पनीर और मसाला दोनों पहले ही पका हुआ है। तो जब इसमें उबाल आ गया तो मैंने ढक्कन को खोला, तो देखिए कितना बढ़िया रोगन इसमें ऊपर उतर के आ गया है। और अब इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया कलर आया है, बहुत ही शानदार पनीर हमारा बनकर तैयार हुआ है बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस में। अब फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और इसमें 1 टीस्पून किचन किंग मसाला डालेंगे। तो दोस्तों अगर ये है तो इसे ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पनीर की सब्ज़ी में। और साथ में कटी हुई धनिया पत्ती से इसकी गार्निशिंग करी। और अब इसको हम ढक देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स इसमें अंदर ही रहें, और इसको अब हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल ढाबा स्टाइल शॉर्टकट प्रोसेस में हमारा ये शानदार पनीर बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों, बहुत ही गजब का टेस्ट आया है। तो इसमें ना हमने पनीर को तला है, ना ही पनीर को घंटों मैरिनेट किया है, ना ही मसाले को पीसा है, उसके बावजूद इतना शानदार पनीर बना है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिए। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।